जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में तो छाला होगा। बिना संघर्ष के इस जीवन में कोई नहीं चिपकता, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। हाय, दिस इज रिदम श्रीवास्तव, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो फिजिक्स के ऊपर आएगा, बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हाउ टू टैकल फिजिक्स इन दीज लास्ट 2 मंथ्स। ये वीडियो ना ही सिर्फ 2020 एस्पिरेंट्स के लिए मददगार होगा, इवन 2021 एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी मददगार होगा। अगर आप मेरी गाइडेंस मानो, मैं गारंटी करता हूँ आप 120 प्लस से कम फिजिक्स में नहीं लाओगे। मतलब अगर आप 50-60 भी अभी ला रहे होगे तो आप 120 क्रॉस कर जाओगे, और अभी 2 महीना है, ये मत भूलो आप। और ये वीडियो के लिए डिले इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने खुद भी इस वीडियो के लिए काफ़ी मेहनत की। मैंने 2-3 दिन का टाइम लिया और मैंने कुछ आपके लिए स्पेशल चीज़ें अरेंज की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खुद से मैंने रिवाइज़ किया, मेरे को याद करना पड़ा कि क्या क्या था, क्या सारी चीज़ें थी, ताकि मैं आपको बेस्ट बता पाऊँ और आप काफ़ी अच्छा कर पाओ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखो, और बेनिफिशियल लगे, अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपको पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको बिना किए आप एग्जाम में नहीं जा सकते, मतलब करना ही करना है, देर इज नो अदर ऑप्शन। तो देखिए मैं लिख के लाया हूँ। तो पहली टॉपिक जो हम दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ी सी थ्योरी, और आपको 6 से 7 क्वेश्चन दे जाएगी, मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आप इजीली गेन कर ले जाओगे। अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि कोई भी फॉर्मूला अगर आप देख रहे हो तो उसको अप्रोच अच्छे से पता रखना। फॉर्मूले पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, 1-2 क्वेश्चन डिपेंडेंसी के ऊपर आते हैं। कोई फॉर्मूला लिखा है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से आपको लग रहा है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी, मगर वैसा होता नहीं। कभी कभी वो इंडिपेंडेंट होता है, कभी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप प्रॉपर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसी वाले केसेस मॉडर्न फिजिक्स में देख लेना, ये ट्रांजिस्टर और ये NPN PNP ये सब देख लेना, एकदम कुछ मत छोड़ के जाना। ये सब आते हैं, इसकी थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। 6 से 7 क्वेश्चन इजीली आपको गिफ्ट में मिलने वाले हैं। दूसरी टॉपिक मैंने लिखी है, दैट इज़ काइनेमैटिक्स, मोशन 1D 2D। ये आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देगा आराम से, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन टाइप के रहेंगे, मिला के तो आप देख लिए 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से। बहुत ईजी है, आप पढ़ते आए हो शुरू से, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी फॉर्मूला है, और इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर मैं मैकेनिक्स का और भी 2-3 लेसन बोलूँगा। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और NLM। ये 3 लेसन आपको आने चाहिए क्या, ताकि आप बाकी लेसन में भी कमांड अपना कर पाओ, क्योंकि आपके फर्दर जो लेसन्स होंगे उसमें भी आपका कमांड बन पाए। तो ये 3 लेसन आपको मिला के 5 से 6 क्वेश्चन देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, 6 से 7 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में, 3 क्वेश्चन काइनेमैटिक्स से, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन और NLM से। तो फिर आगे देखते हैं, आगे हमने क्या लिखा है। आगे मैं प्रायोरिटी देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स को। इलेक्ट्रोस्टैट्स आप जरूर कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैट्स बिल्कुल मत छोड़ना। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ साथ मैग्नेटोस्टैट्स और ग्रेविटेशन दोनों लेसन को बताऊंगा कि कैसे दोनों साथ साथ कोरिलेटेड होते हैं, और मैंने ये जो कोरिलेशन डेवलप किया है इसके लिए मैंने अपनी नोट से फोटो खींच के लिंक में मतलब शेयर कर दिया। आप लिंक देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में रहेगी वो लिंक, वहाँ से आप फोटो डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने तीनों के फॉर्मूले का कोरिलेशन देखा है कि क्या क्या देखो फॉर्मूले कोरिलेट करते हैं तीनों में। अभी मैं आगे इस पर डिस्कस करता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स करके जाना है, छोड़ना नहीं है, साथ में मैग्नेट भी हो जाएगा फॉर्मूला बेस्ड। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं छोड़ना है। आराम से 2 क्वेश्चन देता है, आराम से 2 क्वेश्चन देता है, कुछ अच्छे रहते हैं, ज़्यादातर ईजी आते हैं। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मैं कहूँगा कि 1 क्वेश्चन अच्छा रहता है, बाकी आप सब कर सकते हो। मतलब आपको अगर सही बताया फिजिक्स में, अगर आपको हर लेसन की बेसिक नॉलेज भी हो ना, तब भी आप 30+ क्वेश्चन सही कर ले जाओ। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को कुछ लेसन बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ लेसन बिल्कुल भी नहीं आते, इवन फार्मूला तक याद नहीं रहते हैं, तो बच्चे सफ़र करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स कर लिया, EMI और AC कर लेना। मैग्नेट पढ़ोगे, EMI से बहुत क्वेश्चन आता है, AC से बहुत क्वेश्चन है, AC से बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, मतलब इट्स जस्ट लाइक वैक्टर,
बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, मगर आपको पता नहीं रहता तो आप सफर कर जाते हो, क्योंकि हाँ किस में इंडक्टेंस में कौन किसको लैग करता है, कौन लीड करता है, कंडक्टेंस के केस में क्या होता है, सारी ये सारी चीज़ जो आप निकालते हो, जब लगता है इंडक्टर लग जाता है तो क्या हो जाता है, कैपेसिटर लग जाता है तो क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। उसके बाद एक हाई यील्डिंग है थर्मोडायनेमिक्स, इतना अगर आप कर लो मैं गारंटी कर रहा हूँ आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आप क्रैक कर ले जाओगे, 30 से ज़्यादा। अब इसके साथ आपको क्या क्या करना है, अगर आप और ज़्यादा लाना चाहते हो, मतलब 120 इज़ माई, मैं मानता हूँ कि आपको मिनिमम 120 फिजिक्स में लाना ही लाना है, आपको पक्का लाना है 120, उससे कम नहीं लाना है फिजिक्स में। अब क्या है कि इसके आगे क्या करना है कि हम लोग को सारे लेसन्स के फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे हमने क्या बोला आपको, कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं ना यार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अप्रोच और फॉर्मूला, अप्रोच और फॉर्मूला, जरूरी नहीं कॉन्सेप्ट पता हो, कुछ हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं यार बहुत क्वेश्चन, फॉर्मूला नहीं आता रहता अपने को वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है यार। तो क्या करना है, सारे लेसन के फॉर्मूले जरूर याद कर डाले हैं फॉर्मूले, और ये लेसन्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले और अप्रोच सब चीज़, मतलब ये लेसन पक्का करके जाना है बाकी सारों के फॉर्मूले से। अगर आप इतना कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ 35 के ऊपर क्वेश्चन में निकल जाओगे सही करने में, अगर आपने सारी चीज़ें सही में अच्छे से कर ली। तो ये हो गया फिजिक्स की इंपॉर्टेंट लेसन्स जिसको आपको मस्ट टू डू करके जाना है। मैंने मतलब प्रियोरिटी दिया है, काफ़ी सोच समझ के दिया है, मैंने एनालिसिस किया कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैंने जैसे आपसे बोला था कि मैंने आपसे लिंक शेयर की है, इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ें और कैसे मैग्नेट और ग्रेविटेशन को साथ में रिवाइज करें, आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना, वहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर लेना, आप देख सकते हो, कोई मतलब आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद भी लिख सकते हो, देख लो कि कैसे मैं नोट्स बनाता था। तो मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ उसमें से, कि देखिए जैसे अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है अपना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यही आते हैं मैग्नेट में क्या हो जाता है ये फॉर्मूला, मैग्नेट में फॉर्मूला बन जाता है के एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन एम टू क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं इसे, और के क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज अ कॉन्स्टेंट। देखिए वहां पे क्या था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, वहां पे भी के कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे भी के कॉन्स्टेंट है। अब आते हैं ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन में क्या फॉर्मूला होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एम वन एम टू यहाँ पे क्या है, मास है। आपने तीनों के फॉर्मूले देखे, एक में के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एक में के एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और एक में जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तीनों लेसन का ये आपने देखा कैसे कोरिलेशन बना फोर्स का। तो कि अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन में, कि क्या क्या डिफरेंस आता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, क्या डिफरेंस आता है। अब देखिए जब हम लोग स्मॉल आर को कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जब हम लोग का डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर होगा, दैट इज अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। वाइल वही अगर हम लोग देखेंगे स्फेरिकल शेल में इन ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड जो आती है, दैट इज ई इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए उसमें क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें जी एम अपॉन, हम लोग ने क्या क्या रिप्लेस किया, देखिए के को हम लोग ने जी से रिप्लेस किया था, ऊपर हम लोग ने जो फोर्स का फॉर्मूला देखा, और अब हम लोग यहाँ पे देख कर, और क्यू को हम लोग ने मास से रिप्लेस किया था, याद है ना आपको, अभी हम लोग ने रिप्लेस किया है। फिर एट सरफेस पे आएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बोल लो या स्मॉल आर स्क्वायर बोल लो, और वही ग्रेविटेशन में क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या आर स्क्वायर। कोरिलेशन आप देख पा रहे हो कैसे, देखिए कुछ चीज़ें कोरिलेट कर रही है, कैसे कितना सिमिलैरिटी होती है दोनों के बीच में। और यही अगर मैग्नेट की बात करें, तो मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेटोस्टैट्स में मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज़ आउटसाइड द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, वो क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस है ये। और फिर सरफेस पे क्या हो जाती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अब आप देख पा रहे हो वही सेम रिलेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है, पैटर्न वही सेम फॉलो हो रहा है। मैंने इसका ग्राफ और सारी चीज़ें शेयर कर रखी है, आप देख लेना, ठीक है, कैसे चीज़ें कोरिलेट करती है। और
यही हम लोग आते हैं जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, इनसाइड आ जाते हैं उसके हॉलो नॉन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, तो क्या होता है उसमें आप देख पाएंगे कि ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब इसका इससे हम लोग चलो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बनाते हैं। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, के को किससे रिप्लेस करेंगे, जी से, जी से हमने रिप्लेस कर दिया। क्यू को किससे रिप्लेस करना था, एम से, एम से यानी कि मास से रिप्लेस कर दिया। आर को, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आर को आर ही रहने दिया, और नीचे रेडियस, रेडियस कैपिटल आर ही रहने दिया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जी एम आर अपॉन आर क्यूब। अरे ये फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या हुआ, हम लोग ने पढ़ा कौन सा फॉर्मूला, किस में पढ़ा, इलेक्ट्रो में पढ़ा, और हम लोग रिवाइज साथ में किसके फॉर्मूले कर रहे हैं, ग्रेविटेशन के। तो एक पंथ तीन काज हो रहे हैं यहाँ पे, दो काज नहीं तीन काज। सेम ऐसे ही मैग्नेट में भी चलेगा। मैंने सारी चीजें शेयर कर दी, आप कोरिलेट कर सकते हो, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से मैंने बनाया, इसमें आप डाइपोल मोमेंट के भी फॉर्मूले, क्या नाम है, आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है, ऐसे पोटेंशियल भी कोरिलेट करता है। तो तीनों लेसन्स काफी कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो आपको इलेक्ट्रो पढ़ना है, बाकी दोनों के फॉर्मूले एक साथ ऐसे ही लिख लेने हैं जैसे मैंने लिखे हैं, साथ में डायपोल मोमेंट और जितने फॉर्मूले आपको दिखे सब लिख लेना। तो इससे क्या होगा, एक पंथ तीन काज होगा। फिजिक्स में आप एक लेसन पढ़ोगे, तीन लेसन रिवाइज करोगे, इससे अच्छा क्या चाहिए यार, ठीक है। और जितने इंपॉर्टेंट लेसन बताए थे वो जरूर से कर लेना यार, उसको छोड़ना मत। बहुत मैंने सोच समझ के बताया है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ यार पक्का काम करेगा। और फिजिक्स में हाँ, प्रैक्टिस करना मत छोड़ो यार, क्वेश्चन लगाते रहो, लगाते रहो। तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाते रहोगे ना, ये जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला अप्रोच, सब कुछ अपने आप आता जाएगा। बहुत टाइम है अभी भी, 2 महीने में एक अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, एक बेसलेस फाउंडेशन को अच्छा खासा बेस दिया जा सकता है। जहाँ पे भी आप सफ़र कर रहे हो वो सारी टॉपिक्स क्लियर की जा सकती है, अभी बहुत टाइम है। और मैं कहूँगा कि फॉर्मूले सबके कर लेना, कुछ छोड़ना मत। और ये बोलना चाहूँगा, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है ना, वही नामुमकिन लगने वाले रिकॉर्ड होता है। तो यार जुनून अपने अंदर जिंदा रखो, फिजिक्स को कर ले जाओगे। फिजिक्स आसान है यार, सबसे जस्टिफाइड सब्जेक्ट है। एक्सेप्शन देखो कभी फिजिक्स में, सुने हो कि एक्सेप्शन रटना फिजिक्स में, नहीं रटना यार, फॉर्मूला रटना, रटना भी कम रहता। मैंने तुमको बताया था, देखो मैंने अपने पहले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में शेयर किया था मेरा ब्रह्मास्त्र, दैट इज डायमेंशनल अप्रोच। कैसे डायमेंशनल अप्रोच से हम लोग फॉर्मूले को समझ सकते हैं और बना सकते हैं फॉर्मूला, कि कहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए, अगर हल्का से भी तो क्वांटिटी मिस कर रहे हैं तो। ये मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर किया था। तो सारी गाइडलाइंस मानते जाओ यार, पक्का फायदा होगा। और आफ्टर ऑल डॉक्टर बनने वाले हो यार, हो गए, बनोगे ना। अंदर से आवाज़ आ रही है क्या, क्या आ रही है, हाउस द जोश, हाई सर आ रही है ना, आ रही है ना, बिल्कुल पक्का बनोगे यार। डॉक्टर बनना है, बनना है, बन के दिखाना है। हार मानने वालों में से हम लोग नहीं है। फिजिक्स क्या है यार, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है यार। MBBS में 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर अभी एक एक सब्जेक्ट से डर जाओगे तो फिर MBBS में कैसे करोगे। डरने वाली बात नहीं है कोई। फिजिक्स को देखो, तुमको भी बता दिया, इतने टॉपिक कर लो, ना वर्क करे मेरे को बताना। मेरे पास काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो को लेकर, कि जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आप सबसे शेयर की थी, बहुत लोग को सही में फ़ायदा कर रही है और वो अच्छा अब स्कोर करने लगे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि मेरी फाइनली स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। होप सो आपके साथ भी वर्क करे, और आप लोग अच्छा करो। फिजिक्स में कोई परेशानी मत लेना, बाकी मैं हूँ आपको बताने के लिए, और मैं आपके साथ नीट तक रहूँगा। तो आप कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। और सही में अच्छा लगा हो वीडियो, सही में इंफॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, फिजिक्स में सही में आपने कुछ सीखा हो, तो यार शेयर कर दो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एकदम आग लगा दो यार, मस्त अच्छे से पढ़ो, निराश नहीं होना। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स कर लोगे तुम। बस आँख में क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। रगों में क्या, खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। सब आसान है, फिजिक्स कर लोगे, फिजिक्स मुट्ठी में रहेगी। तो अच्छे से पढ़ो। अगले वीडियो मैं बता रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री के ऊपर लेके आऊँगा, केमिस्ट्री पर्टिकुलरली देखूंगा कि कौन सी टॉपिक जिसके लिए ज़्यादा डिमांड आ रही है। और 2021 एस्पिरेंट्स, आपके लिए भी 2 से 3 दिन में पक्का वीडियो आने वाला है, पूरी 1 साल की स्ट्रैटेजी उसमें रहेगी और क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है।
तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं लेने का, सब आसान है। चलो बाय बाय।